हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से है ये। अब इसमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे कि एक मैग्नेटिक फील्ड दी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे एक वायर लिया है, देखो ये है वायर कैरिंग करंट। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कहाँ पे, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड यू कैन सी कि भाई ये वायर जो है दिस इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इसका लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ पे है दिस इज एन अल्फा पार्टिकल, ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है एग्जैक्टली, वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन देम, है ना। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहे हैं इनके अंदर, तो मूविंग चार्ज की वजह से ये मैग्नेटिक बन जाते हैं और इनके मैग्नेटिक इफेक्ट को जब ये एक्सटर्नल मैग्नेट फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कहलाता है। और इसके अंदर हमने कौन सा रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, जिसमें व्हाट वाज द एग्जैक्टली उसका मीनिंग था, क्या था उसका, वो देख लेते हैं कि दिस, है ना, यहाँ पे हमको तीनों फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है, देखो फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे थंब फर्स्ट फिंगर से परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो द थंब इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे में द फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन सी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, एंड द मिडल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब मैं पहला वाला यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ या देख लेते हैं, ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है यहाँ पे, तो वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन दैट वायर। ठीक है, वो वायर जो ऐसा है जिसमें करंट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, देखो द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इस कैमरा की तरफ, आपकी तरफ जो है ये वायर मूव करता हुआ आएगा या इसके ऊपर फोर्स जो है इसको बाहर ढकेलेगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये आउटवर्ड्स द प्लेन इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा बाय द लेफ्ट हैंड रूल। यू कैन सी फॉर द अल्फा पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे करंट है। करंट अगर आपको पता हो तो करंट, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये कहा था कि दिस इज जस्ट लाइक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके हिसाब से हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से एक फ्लो के डायरेक्शन से उल्टा होता है। ओके, तो जो हम रूल ले रहे हैं उसमें करंट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी अल्फा पार्टिकल यू नो कि भाई वो भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो यानी रूल वहां भी वैसे लग जाएगा। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल कहाँ मूव करता हुआ आएगा, आउटवर्ड्स। ठीक है, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल जो ऐसा आ रहा था वो बाहर की तरफ या फिर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा बेंड होते हुए आएगा। ओके, अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यू नो कि भाई ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे रूल उल्टा कर देना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल ही रहेगा, पर यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो यानी करंट का मोशन कहाँ इसके हिसाब से होगा, करंट का डायरेक्शन कहाँ दिखेगा, ऊपर की तरफ। तो यानी यहाँ पे रूल देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, ठीक है, बट द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है द मिडिल फिंगर एंड द थंब, देखो अब थंब कहाँ पॉइंट करेगा, इनवर्ड्स टू दिस प्लेन। ओके, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ये इनवर्ड्स मूव करता हुआ जाएगा, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ मूव फोर्स उस पर एग्जर्ट होगा। ओके,